नमस्कार साथियों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के माध्यम से जो कंप्लीट होगी भर्ती यूपी लेखपाल की 8085 पोस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग पता होगा, लंबे अरसे से आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। पहले पैट का एग्जाम इसमें अटका दिया, पैट का एग्जाम भी बच्चों ने दिया, अच्छा स्कोर भी बनाया, उसके बाद में शॉर्टलिस्ट प्रक्रिया का इंतजार भी आप लोगों को करते करते काफी समय हो गया, बीच में चुनाव आ गया, चुनाव के चलते आप लोगों का जो समय है वो और ज्यादा व्यर्थ हो गया। अब चुनाव भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने इसकी तरफ जो ध्यान है वो भर्ती की तरफ नहीं दिया है। यानी अभी भी आप लोग में से दोस्तों काफी सारे जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या मेरा जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का स्कोर कार्ड है उससे मेरा लेखपाल का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो प्रशस्त होगा नहीं होगा, मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा। तो आप लोगों को पता होगा जो तरह तरह के भाई यूट्यूबर हैं, मेरी तरह मेरे भाई बंधु दोस्त मित्र जो भी हैं, उन्होंने यूट्यूब पर इस भर्ती को लेकर अपनी अपनी राय दी है कि भाई इसमें इतने परसेंटाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, इतने वाले का छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तरह तरह की राय होती है भाई, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग होता है, हर किसी का दिमाग अलग होता है, आपका दिमाग अलग है, ठीक है, किसी और का दिमाग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल भी, यहां तक मैं कहूं सरकार का ये कोई तरीका नहीं है। पहले पैट का एग्जाम, पैट के लिए आप लोगों ने मेहनत की, तैयारी की, पैट के एग्जाम में आप लोगों को अटका के रखा, पैट का एग्जाम आप लोगों ने दिया, रिजल्ट आए हुए भी काफी सारे जो महीने हैं वो गुजर गए, वैकेंसी के लिए इंतजार करते करते अब शुरू हो जाए तब शुरू हो जाए, कोई बात ना आगे बढ़ानी पड़े, यही मतलब राजी से ही बात बन जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों अब जो है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब टेढ़ी कैसे करनी पड़ेगी, जब यूपीएसआई भर्ती का रिजल्ट, यूपी भर्ती बोर्ड ने नहीं दिया, पुलिस भर्ती बोर्ड ने, तो लगातार ट्विटर आप लोगों को पता होगा अभियान चलाया गया 3 अप्रैल 9 अप्रैल, ठीक है ना, रिजल्ट को लेकर। तो भाई आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके हित के लिए दोस्तों ये बात मैं बोल रहा हूं, जो भी यूट्यूब चैनल वाले, जैसे कि एग्जाम्पल हो, जैसे कि रॉ, ठीक है, और भी जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, रामजी की पाठशाला, लाइक वाई फाई स्टडी वगैरह, तो इसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है, एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित और छोटे छोटे मोटे मोटे जो यूट्यूब चैनल है, ये काफी सारा, एक हमारा यूट्यूब चैनल भी दोस्तों इस बात को सपोर्ट करता है। आप लोगों को पता होगा कि भी मार्ग दिखाने का काम भी सबसे पहले जो शुरुआत होती है, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे द्वारा ही होती है, मेरे से तो बहुत बहुत दिग्गज हैं इस यूट्यूब पे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि मार्ग दिखाने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों यूट्यूब चैनल पर ही आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। तो फिर से दोस्तों आप लोगों को मैं मार्ग दिखाने का रास्ता तैयार कर रहा हूं, हैशटैग बनवाइए और एक बार आप लोग ये डिसाइड करिए कौन सी डेट ठीक रहेगी और यूपी लेखपाल के लिए डिक्लेयर यूपी लेखपाल एग्जाम डेट, डिक्लेयर यूपी लेखपाल एग्जाम डेट, या फिर डिक्लेयर यूपी लेखपाल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, ठीक है ना। तो ऐसा कोई हैशटैग बनना चाहिए और एक डेट सुनिश्चित होनी चाहिए, उसमें जो ट्विटर है उस पर दोस्तों कैंपेन चलाना बनता है इस भर्ती को लेकर, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं है भाई, ये आप लोग इंतजार करते रहें, सुनेंगे है नहीं, जब तक इनको सुनाया नहीं जाएगा। तो सुनाया किस प्रकार से जा सकता है, यूपीएसआई का आपके बिल्कुल साक्षात परिणाम आपके सामने है, ठीक है, आप लोग देखते रहिए, मैंने यूट्यूब पर थंबनेल बताया है आप लोगों के लिए कितना इंतजार और करना पड़ेगा, तो कोई पता नहीं है, इंतजार होने के लिए कल खत्म हो जाए, ना होने के लिए लंबा भी चल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल मैं इतना कहने के लिए आया हूं आप लोगों से कि भाई जो आप लोगों के मतलब जहां से आप लोगों ने मतलब कोर्स वगैरह भी ले रखा होगा, और ज्यादा को मत शामिल करिए, कोई मतलब आप लोगों को पता होगा जब आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा लोग सपोर्ट में नहीं आते हैं, विवेक सर से बोल दीजिए,
रॉ पे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, मतलब अंकित सर से बोल दीजिए, ठीक है ना। तो भाई इन लोगों से बोल दीजिए एक डेट फिक्स करवा लीजिए, वहां पर हम भी सभी रामजी की पाठशाला सभी लोग मिलकर दोस्तों उसमें जो शुरुआत है जो पहल है वो लोग करेंगे, ठीक है, और उनका साथ पूरी तरीके से हम देंगे। शुरुआत करने के लिए हम भी कर सकते हैं भाई, लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हालांकि कोई यूट्यूब चैनल छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, सब इसी रास्ते से गुजरकर जो मंजिल है वो तय करते हैं। अब किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है, किसी को मंजिल पाने में थोड़ा सा रास्ता जो तय करना पड़ता है वो कठिन तरीके से तय करना पड़ता है। तो हमारा रास्ता थोड़ा कठिन है, आप लोगों को ये चीज पता होगा, क्योंकि उन लोगों में कुछ खासियत जरूर रही होगी, या फिर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार उनके साथ में कुछ ज्यादा बना रहा होगा जो हमारे प्रति थोड़ा सा कम है। अगर हमारे प्रति थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों का अच्छी तरीके से रहता तो शायद आज हम भी किसी और प्लेटफॉर्म पर और किसी मुकाम पर होते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है वो भी काबिले तारीफ है। देखिए यहां मैं अपना व्यथा रोने के लिए ले आया हूं, ठीक है ना, मैं इस वीडियो में व्यथा रोने के लिए नहीं आया हूं, अलाप नहीं राग रहा हूं, ठीक है ना, राग अलापने नहीं आया हूं, अपना कहने का मतलब आप लोगों को एक मार्ग दिखाने के लिए आया हूं। भैया ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे तो इंतजार करिए, फिर इंतजार कितना हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। तो इस बात को थोड़ा सा रॉकी टीम से बोलिए, एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से बोलिए, रामजी की पाठशाला वाले गुरुजी से बोलिए, सभी से बोलिए धीरे धीरे। और जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं जिनके 80,000 90,000 1,00,000 के समथिंग में सब्सक्राइबर हैं उनसे भी बोलिए, क्योंकि वो भी लोग इसमें हिस्सा जरूर लेंगे। लेकिन बोलिए भैया, तभी कुछ होगा भाई, तभी एग्जाम की जो डेट है वो डिक्लेयर होगी, तभी आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये किसी की नजर में ही नहीं है। यूपीएसआई की भर्ती नजर में थी सबके, और 100 दिन में 10,000 का प्लान था कंप्लीट हो गया, इनका तो नाम भी नहीं है भाई अभी, ये मान लीजिए। तो भाई आप लोग थोड़ा सा सजग हो जाइए, एक डेट फिक्स करवा लीजिए। जैसे कि यूपी कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन को लेकर मेरे हिसाब से 30 अप्रैल के समथिंग में बोला है कि 30 अप्रैल को ट्विटर जो कैंपेन है वो चलाया जाएगा एज में रिलैक्सेशन को लेकर। तो भाई इसकी भी एक डेट फिक्स करवा दीजिए कि भाई इसकी डेट डिक्लेयर यूपीएसआई मतलब यूपी लेखपाल एग्जाम डेट, या फिर डिक्लेयर यूपी लेखपाल शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्ट ही आनी है, फिर एग्जाम की जो डेट है वो भी डिक्लेयर करते हैं साथ के साथ ही। तो तब होगा भाई जब आप लोग इसके प्रति सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। और लेखपाल से कम उम्मीदवार थे यूपीएसआई में, ये सोच लीजिए, लेखपाल में तो ज्यादा हैं कैंडिडेट, और यहां जो थे यूपीएसआई में वो 7,62,000 कैंडिडेट थे, लेकिन ट्वीट की संख्या 1.8 मिलियन 2 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो एक ट्विटर कैंपेन रखवा लीजिए किसी भी डेट में, इस बात पर जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा गौर दीजिए, आप लोगों के की बात है, मैं पूरे सपोर्ट में पूरे साथ आप लोगों के रहूंगा, जितने ज्यादा हो सकता है खुद ट्वीट डालूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर आग्रह करूंगा ट्वीट डालने के, जितने मेरे कॉन्टेक्ट में सभी लोगों से मैं बोलूंगा। तो लेकिन आप लोगों को भी ये चीज़ भूल, ठीक है, तो कैसा लगा सुझाव आप लोगों को बिल्कुल बताएं। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।